कैप्टन अमेरिका को उसकी क्लासिक शील्ड के साथ देखते आ रहे थे, फिर उसके बाद एमसीयू में वो शील्ड इंट्रोड्यूस हुई और अभी तक हमने उसे देखा। और एंड गेम में जब कैप्टन अमेरिका को एंड दे दिया गया और कैप्टन अमेरिका बूढ़ा हो गया, तो उसके बाद वो चीज़ चली गई फैल्कन के पास और अब फैल्कन बना है नया कैप्टन अमेरिका जिसके पास कैप्टन अमेरिका की शील्ड है। लेकिन अब बात यहाँ ये आती है कि इस वेपन का भी एक ओरिजिन रहा होगा, तो इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात कीजिए कैप्टन अमेरिका की शील्ड की, तो कैप्टन अमेरिका की शील्ड जो है एमसीयू में इंट्रोड्यूस हुई थी 2011 में कैप्टन अमेरिका मूवी के साथ, जहाँ पे हॉवर्ड स्टार्क ने कैप्टन अमेरिका को ये शील्ड दी थी। उस टाइम पे इस शील्ड पे कोई लोगो नहीं था, कोई कलर नहीं था, लेकिन उसके बाद इसको कलर दिया गया और इसका जो लोगो है वो दिया गया। और फिर दोस्तों हमने देखा कैप्टन अमेरिका जो कि बर्फ में जम गया और 2012 में हमें दिखाई दिया, और इसी शील्ड की मदद से उसने चित्तौरी आर्मी से लड़ाई की और 2012 के इवेंट में जीत गए। फिर उसके बाद बाकी कैप्टन अमेरिका मूवीज के इवेंट हुए और फाइनली हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में ये देखा कि आयरन मैन ने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को वापस ले लिया, क्योंकि उसे पता चल गया था कि वो बकी बांस जो है वही कातिल है उसके माता पिता का, और ये बात कैप्टन जान के भी छुपा रहा था। और फिर उसके बाद हमने न कैप्टन अमेरिका न उसके शील्ड को देखा। फिर इन्फिनिटी वॉर में हमने कैप्टन अमेरिका को देखा, लेकिन टोनी ने उसकी शील्ड वापस नहीं की क्योंकि टोनी उससे मिला ही नहीं। फिर उसके बाद एंड गेम के इवेंट हुए जहाँ पर टोनी स्टार्क ने कैप्टन अमेरिका को उसके आइकॉनिक शील्ड वापस कर दी और कैप्टन ने उसके खिलाफ थैनोस को कड़ी टक्कर दी और फाइनली थैनोस हार गया। लेकिन उसी दौरान कैप्टन की शील्ड के टुकड़े टुकड़े हो गए, लेकिन कैप्टन अमेरिका टाइम में पीछे गया और जाके दूसरी टाइमलाइन से वो शील्ड को वापस ले आया और फाइनली अपने बेस्ट फ्रेंड फैल्कन को अपनी शील्ड दे दी। तो दोस्तों यही थी ओरिजिन जो अभी तक एमसीयू में हम देखते आए थे, और यही सारी चीज़ें थी जो कि हमें अभी तक दिखाई गई हैं। लेकिन हमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं बताई गई शील्ड के बारे में जो कि कॉमिक्स में बताई गई हैं। तो कॉमिक्स में हमने कैप्टन अमेरिका की शील्ड को सबसे पहले देखा था कैप्टन अमेरिका इशू नंबर 1 कॉमिक में, जो कि 1941 में आई थी। लेकिन देखने वाली बात यह है कि उस कॉमिक के पहले हमें जो भी शील्ड दिखाई दी थी कैप्टन अमेरिका की, वो शील्ड ट्रायंगुलर होती थी, लेकिन उस टाइम की एक राइवल कंपनी की वजह से इस शील्ड के शेप को चेंज करके एक डिस्क के शेप में चेंज कर दिया गया। और वो राइवल कंपनी के पास भी एक ऐसा ही कैरेक्टर था जिसके पास ट्रायंगुलर शील्ड थी, इसलिए उस चीज़ को चेंज किया गया और हमें अभी जो कैप्टन अमेरिका क्लासिक शील्ड है वो दिखाई जाती है। और उस कॉमिक में हमें ये भी बताया गया था कि कैप्टन अमेरिका को वो शील्ड दी थी उस टाइम के प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने, और इसको क्रिएट किया गया था डॉक्टर मैरिन मिक्लेन के द्वारा, जो उस टाइम के बहुत बड़े मेटलर्जिस्ट थे, और उनको यूएस आर्मी के द्वारा ये काम दिया गया था कि वो एक ऐसा मेटल बनाए जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल हो और वो किसी भी तरह के फोर्स को एब्जॉर्ब कर सकता हो, मतलब कि इंडिस्ट्रक्टिबल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर मेटल। और वो मेटल को बनाने के लिए उन्होंने चुना वाइब्रेनियम जो कि वकांडा से लिया गया था, और फिर उन्होंने उसको फ्यूज कराया स्टील एलॉय के साथ, और फिर उसके बाद वो जाके सो गए। जब वो जागे तो उनके सामने एक नया मेटल बनके तैयार था जो कि इंडिस्ट्रक्टिबल था और वाइब्रेशन को और आसानी से एब्जॉर्ब कर सकता था और किसी भी तरह का एनर्जी का असर उसके ऊपर नहीं पड़ता था। और फिर इसके बाद उन्होंने इस मेटल को एक ढांचे में डाला जिसके अंदर उन्होंने कैप्टन की एक शील्ड बनाई और इसके ऊपर फिर वो पेंट जो है ऑफिशियल वो किया गया। लेकिन फिर वापस से डॉक्टर मैकलिन दोबारा से ऐसा कोई मेटल नहीं बना पाए क्योंकि ये फ्यूजन जो है वो गलती से हुआ था रात के दौरान और उन्हें पता नहीं था कि ये कैसे हुआ, और फिर उन्होंने कभी भी कोई भी ट्राई किया उसके बाद ऐसा कभी कोई मेटल बन नहीं पाया, इसलिए इस मेटल को मार्वल कॉमिक के मेटल्स में से बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है और सबसे मजबूत मेटल्स में से एक इसके नाम को जाना जाता है। और फिर इसी कॉमिक के बाद हमने दोबारा से कैप्टन अमेरिका की शील्ड को आगे आने वाली सारी कॉमिक्स में देखा और अभी हम लाइव एक्शन मूवीज में भी इसको देखते आ रहे हैं। लेकिन बात की जाए उस मेटल की पावर्स की, तो जैसा कि मैंने बताया कैप्टन अमेरिका की शील्ड जो है इनडिस्ट्रक्टिबल वाइब्रेशन एब्जॉर्बिंग मेटल से बनी हुई है, इसका मतलब कि अगर उसके ऊपर किसी भी चीज़ से वार किया जाता है तो वो आसानी से टूटेगी नहीं, यहाँ तक कि थॉर उसके ऊपर वार कर चुका है, आयरन मैन उसके ऊपर वार कर चुका है और सारे लोगों ने अभी तक कोशिश की है उसको तोड़ने की, लेकिन कभी कोई तोड़ नहीं पाया भले थानोस के अलावा, जो कि उसने एवेंजर्स एंडगेम में तोड़ दिया। अब वो कैसे तोड़ा उसके लिए एक वीडियो जल्द आ रही है, तो मुझे आप नीचे ये कमेंट करके बताएं कि वो वीडियो आपको कितने जल्दी चाहिए। और हाँ, बात करें तो शील्ड की पावर्स की, तो ये जो शील्ड है वो किसी भी तरह के इम्पैक्ट को झेल सकती है,
थॉर के हैमर से निकला हुआ इम्पैक्ट हो या फिर टोनी स्टार्क के आर्मर से निकला हुआ या फिर किसी बुलेट का इम्पैक्ट हो, ये आसानी से झेल सकती है। और यहाँ तक कि कैप्टन अमेरिका को मदद करती है कि वो कभी भी कहीं ऊंचाई से गिरता है तो इसकी मदद से उसका इम्पैक्ट कम करके अपने आप को आसानी से बचा सकता है। और ये चीज़ हमने मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में यूज़ होते हुए देखी है। और सबसे बड़ी बात, इसके यूज़र को यानी कैप्टन अमेरिका को कभी भी इसका इम्पैक्ट झेलना नहीं पड़ता है, वो इम्पैक्ट बिल्कुल कम हो जाता है। आपने ये चीज़ मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में देखी रखी होगी। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, ये शील्ड का एक वर्जन नहीं है, इसके बहुत से वर्जन हम कॉमिक्स में देख चुके हैं। और एमसीयू में भी हम इसके अभी तक दो वर्जन देख चुके हैं, एक कैप्टन अमेरिका की ऑफिशियल शील्ड जो कि पहले थॉर स्टार्क ने बनाई थी और दूसरी शील्ड जो कि इसको ब्लैक पैंथर ने दी थी। लेकिन हम एक तीसरी शील्ड भी देखने वाले थे एमसीयू में, जिसको प्रोटोटाइप भी कहा जाता है और इसका रेफरेंस हमने होम कमिंग में देखा था। वहाँ पे कैप्टन की नई शील्ड के बारे में हैप्पी बात कर रहा था, मतलब हमें आगे जाने के टाइम में कैप्टन की नई शील्ड दिखने वाली थी या फिर फैल्कन को जो शील्ड मिली है उस तरह की सेम फैल्कन को एक और मिल सकती है। तो हो सकता है ऐसा कि इन फ्यूचर ये चीज़ हमें दिखाई दे दे। और दोस्तों अगर उस शील्ड की पावर्स के बारे में आपको जानना है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे ये भी कमेंट करके बताएं, उस शील्ड की ओरिजिन प्लस सारी डिटेल में बता दूंगा। अगर मैं यहाँ डिटेल बताऊंगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए दोस्तों आज की वेपन सीरीज़ का ये सेकंड वीडियो था।